अभी मैं पहुंच गया हूँ देखने के लिए नीलगिरी का पहाड़, वो कैसा है तो चलिए दिखाते हैं आपको। ये आप देख पा रहे हो, ये नीलगिरी का पहाड़ है, ये बहुत ही बड़ा सा एक पहाड़ है। अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं नीलगिरी का पहाड़ देखने के लिए। ये जो आपको दिख रहा है, जो थोड़ा धुंधला है सामने, में जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हो, ये है नीलगिरी का हिल। ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा हिल एरिया है जो कि उड़ीसा के बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। और ये जो जगह है, ये पूरा पहाड़ों से भरा हुआ है। सो आप ये देख सकते हो, ये थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है अभी, क्योंकि अभी ओस बहुत ज़्यादा है। तो आगे चलिए, चल के दिखाता हूँ आपको कि ये जो पहाड़ है, ये कैसा दिखता है। और आगे हम लोग देखने वाले ये भी है कि वहाँ पे एक जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ प्रभु का एक मंदिर है, सो वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और टोटल जो डिस्टेंस है वो आपको, अगर आप बालेश्वर रेलवे स्टेशन में पहुँच जाते हो तो वहाँ से आपको वो डिस्टेंस टोटल जो पड़ेगा वो आपका आ जाएगा 20 किलोमीटर के आसपास, और आप यहाँ पर पहुँच जाओगे, आपको कैब्स वगैरह सब मिल जाएगा। सो चलिए चल के देखते हैं। तो जिन लोगों को पहाड़ पसंद है, नेचर का ब्यूटी पसंद है, उन लोगों के लिए तो ये जगह बहुत ही अच्छा है। और जगन्नाथ प्रभु का भी हम लोग दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे आके, क्योंकि यहाँ पे नीलगिरी में एक जगन्नाथ प्रभु का मंदिर भी मौजूद है। सो अभी हम लोग जाने वाले हैं देखने के लिए जगन्नाथ मंदिर, जो नीलगिरी पे मौजूद है। और ये हम लोग देख सकते हैं आप, ये हम लोग पहुँच गए हैं, और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ये है मंदिर और ये है पहाड़ का सामने का व्यू, जो कि बहुत ही सुंदर है। ये आपका, आप यहाँ पे आने के बाद आप बालेश्वर में रुक सकते हो, वहाँ पे आपको बहुत सारा होटल्स मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स भी दे दूंगा कुछ होटल्स का, उसमें से मैं रुका भी था एक पे। सो मैं आपको और दिखाने वाला हूँ यहाँ पे मंदिर का व्यू, ये मंदिर का व्यू कैसा है। अगर आप मॉर्निंग के टाइम पे आते हो तो दर्शन करने के साथ साथ आप यहाँ पे पूजा भी दे सकते हो। सो ये जगह एक बहुत ही अच्छी जगह है। सो अगर आपको आना है और इस जगह के बारे में आपको जानना है तो आप ज़रूर मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और उसी के साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, तो ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको और भी मिलते रहेंगे। थैंक यू।